ओम शांति। आज की तारीख है 11/8/22 और आज पता है, बताइए कौन सा पावन पर्व है? आज है भाई और बहन के संबंध का पावन पर्व रक्षाबंधन। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा का ये सूत्र बांधा, उन सभी को विशेष दिल से अभिनंदन अभिनंदन। तो आइए सुनते हैं बाप दादा ने क्या कहा आज के दिन। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो यानी प्रतिज्ञा करो तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने। खाली प्रण करने से नहीं, परंतु उस प्रतिज्ञा को निभाने से। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है। हाँ, क्या श्रीमत है बाप की? कि बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है ये प्रतिज्ञा करो। पावन रहूंगा, कोशिश करूंगा, पुरुषार्थ करूंगी, पावन रहने का, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत बड़ा प्यारा, सभी को पता है कि आज कौन सा गीत बजा होगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के भगवानुवाच। नंबर एक, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। जब मनुष्य आत्मा से की हुई प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ी जाती तो स्वयं परमपिता परमात्मा से की हुई प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकते हैं? तो पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। नंबर दो, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान सतगुरु बाबा का, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। तो आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकते। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की ही हो, ग्लानी करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव
हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।